और देखिए महाराज जी रुके हैं लोगों को देखकर। बस बस बैठो, कैसे हैं? घर में सब कुशल है? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं बेटा? कौन सी दुकान? सब कुछ चल रहा है, यही रहते हैं इसी गांव में। बच्चे सेवा करते हैं? सेवा नहीं करते बेटा, सेवा नहीं कर रहा आपका बहुआ? सेवा करते हैं भैया। वो तो आना ही है, खाना होगा। ये बता, आ रहे हैं भैया, बैठो 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 बैठो। आप कथा में आ रहे हैं? कल कथा में आए थे क्या? सुना भैया, क्या नाम है आपका? कथा में आ रहे हैं आप? कितना बेटा है? सेवा करता है बेटा? ठीक से रखता है बेटा? बताओ। बेटा सेवा करता है बेटा? सब ठीक है? क्या करते हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी? आप है तो हाथ पकड़ दीजिए, आप पीछे ये लड़के बड़ा आराम से। आप मजदूरी करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं पति आपके? पति बाहर नौकरी तो आते हैं कभी? कहाँ? छत्तीसगढ़ में? हाँ, पंजाब। एक लड़का 15 साल का है, 3 लड़की। ठीक, सोना तो एक ही। उसी तरह भगवान के नाम में आना, कृष्ण कोई राधे राधे, ब्रह्मा कोई विष्णु कहे, कोई शिव ब्रह्मा कुछ भी। श्रीमन्नारायण श्वास की तरह चलता रहे, श्वास पता ले तो आपका काम भी नहीं रुकेगा और भगवान का चिंता। श्रीमन्नारायण का जाप जब करेंगे आप, तो ऐसे माला लेके जपने की जरूरत नहीं है। बिना माला के कहीं भी है, एनी टाइम, हर समय खाते पीते सोते जब श्रीमन्नारायण। ठीक है, अब आज आपके आज से संप्रदाय है श्री संप्रदाय। आज से आपके संप्रदाय क्या? इसे रामानुजाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। आपकी पुस्तिका में फ्रंट में पति क्या करते हैं? तो देखो, झूठ बोलने में लोगों को शर्म नहीं आती, छल करने में, कपट करने में, निंदा करने में शर्म नहीं आती। कितना मिलता है पति? तिलक लगाने में शर्म क्यों? तिलक इसलिए लगाते हैं भगवान श्री नारायण। पति कब तक रहते हैं? बीच में लाल माता लक्ष्मी 6 महीने बैठते हैं, चरणों को रखने की आसन। तिलक सबको लगाना चाहिए। यही रहते हैं, यही घर है आपका? अब बताइए, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हम भी मजदूरी करते हैं। आपको कितना मिल जाता है? अपने धर्म का पालन ही नहीं करते, न तिलक लगाते हैं, ना गीता पढ़ते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं। ये आपने बनाया कि सास ससुर ने बना के दिया? खुद बनाया ये जगह, खरीद लिए ये जगह, खरीद लिए। हमारे धर्म का ह्रास करने वाले बहुत बढ़िया। और ये फिर उसके ऊपर ये घर बनाए? 5 लाख के कट्ठा ये जमीन 5 लाख की है। तो 5 लाख रूपये इकट्ठा मिलता है? बहुत अच्छा, अपने घर के लिए जमीन ले ली अपने लिए, बहुत अच्छा है। अब पैसे पति शराब नहीं करते? अच्छा, पैसा बचाओ और अपने लिए एक अच्छा घर बनाओ। आप लोग पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? ये दोनों बेटा है, खूब पढ़ाई करना और खूब माँ बाप का नाम रोशन करना। ठीक है, क्या पढ़ते हो? और आप? ठीक है, गीता पढ़ते हो? भगवद गीता एकादशी, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। थोड़ा गीता भी पढ़ा करो, रामचरितमानस भी पढ़ा करो।
राम जी को जानते हैं? कौन है राम जी? भगवान कृष्ण कौन है? थोड़ा गीता पढ़ा करो। आप लोगों को कोई धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग तो नहीं आते आप लोगों के पास कि धर्म बदल लो? ऐसे लोग तो नहीं आते। अच्छा आएंगे तो आप क्या धर्म बदल लोगे? नहीं नहीं धर्म नहीं बदल। तो आप धर्म बदलना चाहते हैं? हिंदू धर्म में अच्छा नहीं रहना? हिंदू धर्म अच्छा है। तो आप धर्म बदलना चाहोगी? नहीं नहीं। क्या अपने धर्म में रहना? कोई आए आपके पास कहे जी धर्म बदल लो तो धर्म नहीं बदलना चाहिए। हमारे अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। हमारे धर्म में भगवान राम देखो माता शबरी के घर गए। ऐसे कभी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कोई भी आए तो उनको खदेड़ बाहर करो। ठीक है? आप लोग आपके समाज में आपके आसपास कोई धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग तो नहीं आते? नहीं नहीं। यदि आएंगे तो क्या करोगे? नहीं उनको खदेड़ना है कि भाई ऐसी गलती ना करो। हम अपने धर्म में रहेंगे, अपने भगवान की पूजा करेंगे। खुश रहो, खुश रहो। भगवान आप सबको सुखी रहे। ठीक है? खूब मन लगा के, खूब पैसा कमाना है। धन्यवाद लाओ, लाओ तुम्हारी फोटो ले लो। पक्का वादा करो कि तुम सदा गीता पढ़ोगे। गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना। शराब और मांस खाने योग्य नहीं है। अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना पाप है। इसलिए अपने नाम के आगे दास लगाएंगे। जैसे दास क्या बना रहे हैं आज? दास अपने नाम के आगे दास लगाओ। बैगन का सब्जी और रोटी। तो आप लोग गैस पर बनाते हैं? चूल्हे पर नहीं बनाते हैं? चूल्हे पर ही बनाते हैं। कभी कभी गैस पर, कभी कभी चूल्हा। इमरजेंसी के लिए गैस पर। सही है, सही है। बारिश में तो पानी अंदर नहीं आता होगा इसके? तो कराया फिट कह रहा है ये नीचे पे 120। आप सभी आदमी से निवेदन है, यहाँ बोर्ड कराने में कितना पैसा लगता है इसमें? आपको मिल जाएगा 10,000। हाथ वाले बोरिंग हो गया। राधे राधे।